खबर बिरसिंहपुर पाली से है, जहां औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सेंट्रल बैंक को 3 घंटे के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने के लिए सील किया। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली सेंट्रल बैंक शाखा को आज पाली एसडीएम नेहा सोनी ने 3 घंटे के लिए सील कर बैंक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल पाली शहडोल सड़क मार्ग के किनारे संचालित सेंट्रल बैंक शाखा में बेहद भीड़ संस्था के अंदर व बाहर लगी हुई थी। तभी औचक निरीक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली एसडीएम नेहा सोनी की नज़र बैंक में लगी अत्यधिक भीड़ पर पड़ी। भीड़ को देखते ही एसडीएम गाड़ी से उतरकर बैंक के अंदर प्रवेश किया व वहां भी देखा तो बेहद भीड़ थी, जहां एसडीएम ने बैंक के जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए जमा भीड़ को इधर उधर किया व कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर बैंक को 3 घंटे के लिए सील कर दिया। इस दौरान सीएमओ आभा त्रिपाठी भी साथ में मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि पाली क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पाली में चूंकि हमारे पास पिछले 2 दिन में 2-3 पॉजिटिव केसेस आए हैं, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सतर्कता बढ़े और ज़्यादा। आज उसी क्रम में हम लोग आए थे, ऐसे स्थलों पर आए थे जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, तो हमने ये पाया कि सेंट्रल बैंक में बैंक प्रबंधन की अच्छी मतलब खासी लापरवाही रही। उन लोगों ने अपने उतने से कक्ष में कई सारे लोगों को घुसा लिया जिसमें लोगों के हिलने तक की स्पेस नहीं थी। तो उसी क्रम में हमने आज बैंक को सिर्फ 3 घंटे के लिए सील किया है और चेतावनी दी कि आगे इस तरीके से ना करें, क्योंकि बैंक प्रबंधन को ये सारी सुविधाएं देखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग मास्क के साथ ही बैंक में प्रवेश करें। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।